तो भाई फोल्डिंग के दुनिया में तगड़े तगड़े इनोवेशन हो रहे हैं वीवो ने भी बोला की हम भी लेकर आएंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रो की अभी ये जस्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है भाई And, uh, वीवो कहता है कि ये बेस्ट फोल्डिंग फोन है सारी चीजें जानते हैं एकदम अच्छे से टच करेंगे तो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दू भाई ये जो वीडियो है ये विवो के साथ में कोलेबोरेशन में बन रही है लेकिन जो सारी टेस्टिंग है वो हमने पर्सनली खुद से करी है एंड सारे ओपिनियन भी हमारे होने वाले हैं सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर आपको फोन नहीं देखने को मिलता है क्योंकि फोन एक्चुअली मैंने निकाल लिया पहले से यूज कर रहा हूँ टेस्ट कर रहा हूँ एंड जैसे आप अंदर जाओगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है एंड एक और बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आपको एक 120 ट्वेंटी वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है सो टाइप टाइप सी सी टू केबल देखने को मिल रही है सबसे पहले बात करेंगे भाई वीवो कहता है ये स्लिमेस्ट फोल्डेबल है एंड नो डाउट इन दैट भाई लुक एट दिस फोन भाई ओपन होने के बाद में ये सिर्फ फाइव पॉइंट टू मिलीमीटर mm है भाई ये क्रेजी है मतलब मतलब लुक एट दिस लिटरली जितना पतला इसका कैमरा मॉड्यूल है उतना ही पतला है पूरा फोन भी है जब बंद होता है उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा स्लिम है सिर्फ इलेवन पॉइंट टू मिलीमीटर की भाई। कोई दूसरे तो ऐसा लगता है दो फोन आपने एक साथ ऐसा चिपका के फिर आप यूज कर रहे हो वो बल्क वो हैवीनेस होता है वो चीज यहाँ पर नहीं फील होती भाई। काफी ज्यादा मस्त और पतला फील देता है हाथ में एंड जो इसकी हिंसा ने टेस्ट करी है वीवो वाला कहता है कि भाई इसको आप अगर डीडी सौ बार बंद करोगे ना तो भी बारह साल तक चलने वाली है। Which is amazing. Way, ये IPX8 के चलने अच्छा, तकलीग्री करता हूँ सिर्फ और सिर्फ टू हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ग्राम का फोन है मतलब बहुत सारे जो फोन है उनका इससे भी ज्यादा वेट है मैंने जो करे हैं विच इज इनक्रेडिबल भाई ये प्रॉपर एक फोल्डेबल फोन है एंड इट इज वेरी वेरी लाइट वेट एंड वेट बैलेंस है लुक एट दिस भाई काफी तगड़े तरीके से किया हुआ है तो मेरे को बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा अब इससे बेनिफिट ये होता है जब आप इसको यूज करते हो तो आपका हाथ टायर नहीं होता दूसरी चीज भाई जब आप इसको बैठ के या लेट के जब आप इसको मूवी वगैरह देखते हो तो ये ये ऐसा कभी फील नहीं आता है कि भाई मुंह पे गिरेगा या ऐसा कभी मतलब क्या होता है जब दूसरे फोल्डेबल यूज करो जो तीन ग्राम के आसपास चले जाते हैं ना फिर ये जो ज्वाइंट है पेन होने लगता है और ये हाथ से फोन छूटता है तो मुंह पे गिरने का डर होता है तो लाइट वेट होने की वजह से क्या होता है ऐसा मैं पकड़ा भी हूं तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बहुत

ये भी हल्का सा कर्व है बाकी यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है एंड मल्टीपल माइक्रोफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं सिम कार्ड का स्लॉट है जहां पर आप दो सिम कार्ड लगा सकते हो यूएसबी टाइप सी पोर्ट है ना तो दो डिस्प्ले आपका वोल्डबल फोन तो दो डिस्प्ले है एंड वाला कहता है कि ये ब्राइटेस्ट फोल्डेबल है एंड यहाँ पर भी मैं अग्री करता हूं भाई क्योंकि जैसे आप देख रहे हो 6.53 पॉइंट फाइव थ्री इंच की डिस्प्ले है इवन जो ये इंटरनल डिस्प्ले है ये भी पैतालीसनेस के साथ में आता है ये भी एक एल टीपीओ स्क्रीन है एंड ये एट इंच की है काफी बड़ा है। मतलब फोल्डेबल आई थिंक सबसे बड़ी डिस्प्ले है भाई मैंने इसको आउटडोर में लेके जाकर टेस्ट किया भाई बहुत ही अमेजिंग काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको जरा भी शिकायत नहीं आने वाली एंड दूसरी चीज मेरे को ना बहुत जबरदस्त लगी इस डिस्प्ले के अंदर इसका क्रीज है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है बिल्कुल फील ही नहीं होता है विच इज इनक्रेडिबल भाई तो इस

कंफर्टेबल फील आता है इसके अंदर डिस्प्ले काफी एक्चुअली एक नॉर्मल फोन के साइज की है जब आप कम्यूट वगैरह कर रहे हो कहीं पे भी नॉर्मल टाइम पे यूज कर रहे हो तो बाहर के डिस्प्ले से आपका पूरा काम हो जाएगा जब आपको एक्चुअली बड़ी डिस्प्ले की जरूरत है ना तब आप इसको ओपन करो एंड तब ये फोन जो इसका जो डिस्प्ले है वो अपना जलवा भी खेरता है भाई। तो मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा भाई बाकी फोल्डेबल फोन में एक बहुत बड़ा इशू होता है यूजली बाई बैटरी लाइफ बिल्कुल नहीं चलती एंड यहाँ पर वो चीज मतलब एकदम ही निकल गई माइंड से मैं जब से यूज कर रहा हूँ आई एम सो ब्लोन अवे विद द बैटरी लाइफ ऑफ दिस फोन भाई इसके अंदर पांच हजार सात सौ एम एच की बैटरी आती है इतना ही नहीं इसके अंदर सौ वॉट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है हालांकि बॉक्स के अंदर आपको एक सौ का चार्जर मिलता है लेकिन सौ वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है साथ ही साथ में आपको पचास वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है नॉर्मल फोन के कम्पेरिजन में कोई भी स्लैब फोन जो होता है पांच हजार एमएच बैटरी वाला उससे ज्यादा बैटरी लाइफ इसके अंदर मेरे को मिल रही है विच इज माइंड ब्लोइंग इन अ वे क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर आठ घंटे का मेरा मेरा यूसेज जो है यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह चलाता हूँ मैं ज्यादातर ठीक है तो वहां पर आठ घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है उसके बाद भी पंद्रह बैटरी बची हुई थी ठीक है उसके पहले देखो आठ परसेंट तक की बैटरी लेके आया मैंने यूट्यूब घंटे का स्क्रीन हो, आपको दो दिन तक बैटरी लाइफ मीडियम टू हेवी यूजर हो तो आपको डेढ़ दिन की बैटरी लाइफ देगा अगर आप काफी अच्छे क्रेजी गेम वगैरह खेलते हो दिन आपको ये एक दिन की प्रॉपर बैटरी लाइफ देगा बहुत ही जबरदस्त बैटरी लाइफ जिस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ भाई अब आगे बढ़ते हैं भाई एक बहुत बड़े पॉइंट के ऊपर कैमराज भाई यूज

मिन ऑफ कोर्स अच्छा है ये कैमरा इसका जबरदस्त है एंड जो इसका 3x फोटो कैमरा भाई क्या फोटो लेता भाई एकदम वाई बजा दिया था डीएसएलआर का फील दे रहा है ये बिना पोर्ट्रेट के भाई तो देखो ये बिना पोर्ट्रेट कितना तगड़ा है भाई लुक दस दिस 3x वाला कैमरा नॉट बैड एट ऑल भाई ये 10x में है देखो ये कबूतर की फोटो ले रहा था मैं 10x में ये 3x में है भाई भाई फोटोग्राफी में मजेदार है मतलब कलर हो क्या आता इट लुक्स इनक्रेडिबल भाई, भाई। ये 10X उसके बाद मैंने पोट्रेट पे शिफ्ट वहां पर दिमाग तो और एकदम मतलब मजा ही आ गया मतलब 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 जबरदस्ती की तारीफ कर रहा है बट फोटो देखो भाई क्या इनक्रेडिबल है मतलब एक फोल्डिंग फोन के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनके लेवल का ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहा है उनसे भी अच्छा कर पा रहा है जो वीवो का एक्स हंड्रेड प्रो था भाई वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट डिवाइस था कैमरा से मन वैसा कलर साइंस पूरा यहाँ पर कॉपी हुआ है और वैसे टाइप का फोटो दे पा रहा है भाई इनक्रेडिबल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है। बाकी ये बाहर वाला जो ये सेल्फी कैमरा है उसकी फोटो है उसकी फोटो भी डीसेंट है मेरे को काफी ऐसा खराब नहीं लगा कहीं से भी नॉट बैड एट ऑल बट अब कुछ इस तरह की मेन कैमरे सेल्फी आती भाई भाई क्रेज ही है भाई जबरदस्त है से सेल्फी है और मेन कैमरे से ही आप अल्ट्रा वाइड में भी फोटो ले सकते हो कुछ इस तरह की फोटो आती है भाई अल्ट्रा वाइड से क्रेजी फोटो था भाई नॉट बैड है देखो अभी देखो जो अंदर वाला ये कैमरा है सेल्फी इससे मैंने ये फोटो लिया ये भी काफी अच्छा है नॉट बैड ऑल

नाउ दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल फोर के थर्टी एफ पी एस वीडियो एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी है इनक्रीज अलॉट पूरा बारिश हुआ एकदम दवा आ गया और बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी पूरा इन्वायरमेंट हो रखा है ये देखो ये अल्ट्रा वाइट पर शिफ्ट हो गया तो अल्ट्रा वाइट से मैं ऐसा कुछ वीडियो बना लेता हूँ एंड अगर मेरे को बनाना है अल्ट्रा वाइट से वीडियो ब्लॉग वगैरह जो थ्री एक्स वाला कैमरा है उस पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ देखो ये थ्री एक्स वाला कैमरा ये जो वीडियो होगा ये सिनेमेटिक पोर्ट्रेट वीडियो है भाई साहब देखो बैकग्राउंड ब्लर देखो आप लोग इसमें इस सिर्फ टेन ए टी पी में वीडियो बनाने का ऑप्शन को मिल जाता है अब ये जो इंटरनल स्क्रीन है उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा यूज किया जा रहा है so, guys, देखो, कुछ इस तरह का वीडियो मैं बना सकता हूँ भाई मतलब इधर नीचे के मेन कैमरे से रिकॉर्ड कर सकता हूँ यहीं से डायरेक्टली अल्ट्रा वाइट पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ एंड जूम इन वगैरह भी कर सकता हूँ वन एक्स पे एकदम ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है।, है सिर्फ फोल्डिंग स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, तो नहीं है अगर आप फोल्डिंग फोन की तरफ जा रहे हो यूजअली जो करना पड़ता है भाई। अब सोच रहे हो आपकी भाई जब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी डिस्प्ले इतना जबरदस्त है स्लिम एंड लाइट वेट है तो ऐसा वेट पे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो पक्का परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज होगा लेकिन नहीं भाई जरा भी नहीं थ्री जबसाइट इसके अंदर देखने को मिल रहा है डिबल प्लस एक वी थ्री चिफ्ट आता है जिससे आप लोग फोटोज वगैरह में थोड़ा सा वो हेल्प करता है, करने में. And, जो, uh, इसके अंदर स्टोरेज है, है, है इंट्रोड्यूस स्कोर निकला जस्ट इमेजिन उसके बाद मैंने जब एक्सट्रीम स्ट्रेस ट्रेस ट्रेस टेस्ट किया था वाइल्ड लाइफ का जस्ट चेक परसेंट की स्टेबिलिटी है गी बेंच टेस्ट किया मल्टिकल स्कोर देख लो आप लोग यहां पर मैंने पंद्रह मिनट तक के सीपी थ्रॉटिलेस्ट किया एटी नाइन स्टेबिलिटी है ठीक है ऑलमोस्ट स्टोरेज का यहाँ पर स्पीड

ए, देखो ये पूरा ए वाला फीचर है तो ऐसा बहुत सारा आपको इसके फीचर देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल जाता है एंड देन स्क्रीन ट्रांसलेशन देखने को मिल जाता है आप लोगों को टू स्प्लिट करके ऑप्शन देखो ऑप्शन देखो ऐसा किया मैंने एंड ये साइड हट गया यहाँ पर एंड दूसरा मैंने समझो यहाँ से इंस्टाग्राम ओपन कर दिया तो समझो मेरे को तीसरा ऐप खोलना है तो मैं तीसरा ऐप फ्लोटिंग में खोल सकता हूँ ये जो डेस्क एओडी है भाई ये मेरे को बहुत जबरदस्त लगा इसको मैं ऐसे करके छोड़ देता हूँ ठीक है ये मेरे को बहुत ही कमाल का फीचर लगा तो आप डेस्क के ऊपर रखे रहो एंड ये सिर्फ वन हर्ट पे चलता है तो ज्यादा बैटरी भी ये कंज्यूम नहीं करता एंड देन एक चीज और फ्लेक्स मोड पे बहुत सारे कंट्रोल हैं मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ एंड देन मैंने उसको ऐसा किया ठीक है तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल आ गया देखो इधर पे माउस आ गया है बेसिकली तो मैं इसको ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ काफी क्रेजी है मस्त चलता है बाकी दूसरी चीजों की बात करूँ तो इसके अंदर फाइव जी सिम कार्ड वगैरह लग जाता है डबल सिम फाइव जी है फोर जी बी सारी चीजें चल जाती है फाइव जी वगैरह का नेटवर्क अच्छा है कॉल वगैरह लेके देखा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है इनके खुद का डायलर आता है फिंगरप्रिंट स्कैनर यूजुअली अगर आप देखोगे कोई दूसरे फोल्डिंग फोन में तो साइड माउंटेड होता है लेकिन यहाँ पर यह अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफी फास्ट है और काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है यहां पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है अब आप ओपन करोगे ना यहाँ पर भी एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी अल्ट्रासोनिक है कोलेट स्लाइडर जैसा भी देखने को मिल जाता है म्यूट स्विच देखो साइलेंट मोड ऑन एंड ऑफ इसके अंदर दो ही ऑप्शन है बाकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन है ये सोलह जीबी रैम एंड पांच सौ बारह जीबी स्टोरेज के साथ में आपको वन लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज में मिल रहा है इसके ऊपर बहुत सारे बैंक ऑफर्स एंड बैंक डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहे हैं सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स रूपीज की ई एम आई आप लोग चौबीस मंथ के लिए भी करवा सकते हो अगर आपको ई एम आई पे लेना है तो बाकी जो इसकी फर्स्ट सेल है वो तेरह जून को होने वाली है बाकी जो उसकी लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग वहां पर जाके चेक कर सकते हो इस फोन को बाकी आपको ये फोन कैसा लगा मेरे को डेफिनेटली बताना बाकी इतना ही था वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ये तीन ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है दबा देना बाकी मिलते हैं और भी ऐसे अमेजिंग के साथ में सी यू थैंक यू सो मच बाय